Yeah, Mr. Avinash. Please come in. बोलिए मिस्टर अविनाश, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सी मिस्टर अविनाश, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता. मुझे मालूम है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कौन सी फेज से गुजर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है. बट बीइंग अ मैनेजर ओवर हियर, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. आई एम नॉट हियर टू सॉल्व एवरीबडीज प्रॉब्लम. यहाँ तक कि मेरे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं बहुत प्रॉब्लम्स हैं मेरे. लेकिन मालूम है आपको, जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी प्रॉब्लम्स उधर बाहर छोड़ के आता हूँ मैं, बिकॉज आई एम जस्ट कंसर्न विथ कंपनीज प्रॉफिट. आपको मालूम है मिस्टर अविनाश, जस्ट एडवर्टाइजिंग योर प्रॉब्लम्स डजंट मेक्स एनी सेंस, बिकॉज एडवर्टाइजिंग अ प्रॉब्लम हैज नो मार्केट फॉर इट. और आप कंपनी में आके आपके प्रॉब्लम्स हर आपके कलीग से आप डिस्कस करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, यू जस्ट वेस्टिंग देयर एज वेल एज योर टाइम. मालूम है कंपनी का टर्नओवर, आज कंपनी का प्रॉफिट बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं. नो नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन यू. सिर्फ आपको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. मेरा कहने का मतलब है, जब मैं मेरे प्रॉब्लम्स वहां बाहर छोड़ के आता हूं, देन द सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल. और आपको मालूम है मिस्टर अविनाश, हमारे कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हमारे एम्प्लॉयज में शेयर किया जाता है. यस, एवरी ईयर उस प्रॉफिट के हकदार हम हैं, बिकॉज कंपनी नोज दैट जो कुछ भी कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट जो कुछ भी हो रहा है, वो हम लोगों की वजह से हो गए. एंड कंपनी वो हम लोगों को कंपनसेट कर रही है. सो मैं चाहता हूं कि अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स सब बाहर छोड़ दिए जाए, एंड विल कम कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क. गुड मिस्टर अविनाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी. एंड आई एम सॉरी, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, एंड प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. एज अ मैनेजर मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और हाँ, मैं यहाँ तक कि पॉइंट क्लियर करता हूँ आपको कि आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है ऑफिस के बाहर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. अगर मेरे से कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट नॉट इन द ऑफिस प्लीज़.